संडे दिन है तो कितना भीड़ भाड़ है, कुछ बाहर से नजारा है। हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त आ चुका हूँ आज संडे को फिर से घूमने के लिए कहीं ना कहीं। मैं तो हर संडे को जाता हूँ, तो आज बारी है संजय गांधी जैविक उद्यान को एक्सप्लोर करने का। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ अपना एक्सपीरियंस कि संजय गांधी जैविक उद्यान का एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिन की शुरुआत होती है कॉफ़ी से। कॉफ़ी पीकर हम लोग सबसे पहले रेडी होते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद हम निकल चलते हैं अपने दो दोस्तों के पास। पटना के हर रोड को खोद के रख दिया भाई, खोदता ये नहीं उसको कवर करते, हर जगह खुदा पड़ा है। कहीं मेट्रो के लिए खुदा है, कहीं नाले के लिए खुदा है। मतलब कैसा पटना स्मार्ट सिटी है, जहाँ देखो वहाँ खुदा, जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुदेगा, ये वाला आलम हो चुका है पटना का। फ्रेंड्स का मेहमान नवाजी, देखिए भाई भात दाल बन चुका है और लौका की सब्जी बन चुका है, यहाँ सलाद भी काटा जा रहा है। उसके बाद हम लोग खा कर निकल जाएंगे जू के लिए या फिर कहीं ना कहीं घूमने के लिए। और रेस्टोरेंट्स लोगों का ये रूम देख लीजिए, सिंपल सा रूम है, एक कवर्ड है जिसमें कुछ किताबें रखी हुई है और ये देखिए एक टेबल लगा हुआ है जिसपे लोग पढ़ते हैं। और हमारा खाना भी रेडी हो चुका है और इसको हम लोग खा कर निकलते ही हैं। तो हम लोग 3 आदमी निकल चुके हैं और निकल रहे हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ जा पाते हैं। गुड और है कि पटना में बहुत अग्रक्रम कांड चल रहा है, लोग मोबाइल छीन छीन के भाग लिए। सतर्क रहने का, कोई भी बाइक वाला आजू बाजू से गुजरते दिखे तो भाई मोबाइल छुपा के रखने का। बैठ चुके हैं, यहाँ से निकलेंगे हम लोग डायरेक्ट बेली रोड, और बेली रोड में चिड़ियाघर पड़ता है यहाँ से आना वाला रोड में। सो आप लोग स्टे ट्यून रहिए और तब तक ये सिनेमैटिक व्यू का एंजॉय कीजिए। यहाँ पे आ चुके हैं जू के पास और जू में हम लोग इंटर करने वाले हैं। यहाँ से अभी तक का बात है, जस्ट पहुँचे हैं और यहाँ से हम लोग लेंगे टिकट। आए थे ना हम लोग एक बार, हाँ कितना बढ़िया मौका था वीडियो धन कि हम लोग 8th क्लास में थे तब आए थे, याद है? और गाड़ी पटरी पर रुकी थी तो हम कैसे चिल्ला रहे थे, रेल रेल रेल, मजा आ गया था। लेकिन ये बताओ गांव का सब लड़का लोग स्कूल से पढ़ने आया, सब कुछ नहीं हर सब आदमी घुस गया है वहाँ पर। अच्छा ही लग रहा है, तुम हाथ धरा के चलो ना तुम। अरे तो दोपहर का टाइम है, सब आराम करने गया है भाई। और मैं हम लोगों ने जैसे इंटर किया उसके बाद ही गल भागते हुए कि मैं तो नहीं दिखूंगा, ये देखिए गिद्ध भाग गया वहाँ पे। और ये देखिए वाकई कितना बड़े होते हैं यार गिद्ध, कितने बड़े, सही में सबसे बड़े पक्षियों में से एक है ये गिद्ध जो उड़ सकते हैं। और ये सम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट गिद्ध जो हिमालयन गिद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं, ये देखिए कितने बड़े हैं यार तो वाकई में। उसके बाद हम लोग गए शेर देखने के लिए, शेर तो दोपहर का टाइम होने की वजह से सोया हुआ था, कोई बात नहीं हम लोगों ने इस पुतले वाले शेर को देखकर काम चला लिया फिलहाल। और सम फैक्ट अबाउट यहाँ पे लायन जो शेर बोलते हैं हम लोग हिंदी में, और ये सब छोटे मोटे अजगर, छोटा मोटा ही बोल सकते हैं क्योंकि अजगर आप लोग को ही पता है कितने बड़े बड़े होते हैं, उतने बड़े अजगर को जू में तो रख नहीं सकते हैं, इसलिए छोटा मोटा ही अजगर इसको मान लीजिए। और एक नहीं तीन तीन अजगर हैं यहाँ पे, 1, 2, 3 देखा हमने, वाकई ये तो कुछ ज्यादा ही बड़े होते हैं यार। धामिन में बीच नहीं होता है, काटने तो बंद नहीं पड़ेगा, ऐसा नजारा दिखता है। और अभी हम दुनिया के सबसे बड़े पक्षियों में से एक शुतुरमुर्ग को यहाँ देख रहे हैं, कितनी शांत से यहाँ पे बैठा हुआ है। यहाँ पे दोपहर का समय, यहाँ पे ज्यादातर जितने भी जीव जंतु थे भाई दोपहर का समय था, गर्मी से इंसान हो या कोई भी जीव जंतु, नजारा
वाह सेवा में उपलब्ध देखिए फॉर्म काम लेते हैं ये लाइन देखिए ये लाइन जी हाँ इस प्रकार का पटना से सरकार टिकट मिला ये मछली नुमा जो संरचना है यही पटना का मछली घर है फिश एक्वेरियम जिस सब कहते हैं बहुत ही वाकई बहुत प्यारा है अंदर से चलिए मैं आप लोग को अंदर लेकर चलता हूँ इसे एक्सप्लोर करता हूँ कि कैसा ये दिखने वाला है शरीर में जितने प्रकार के भी बाल होते हैं किस किस काम में आते हैं इसका यहाँ पे डायग्राम देखिए जो उनका मेन काम है यहाँ पे आपको बोर्ड पर दर्शा दिया गया है कोई जो है बिना काम का चीज नहीं अभी हम लोग निकल रहे हैं और जितना हरासमेंट हो गया कि जिसको हम लोग कह नहीं सकते क्या पैर का क्या हाल चाल पैर बहुत दुख गया भाई साहब 3-4 घंटे पैर का हालात बहुत खराब है बाहर निकलते हैं देखते हैं क्या खा पी पाते हैं उसके बाद निकलेंगे लो यहाँ से एंट्री गेट है इधर से लोग एंट्री करते हैं ये एग्जिट का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे सामने इधर शौचालय वगैरह बना हुआ है बेली रोड है यहाँ पे लिट्टी अभी हम लोग वहाँ से आ चुके हैं गांधी मैदान कारगिल चौक पे
फिलहाल मैं आ चुका हूँ नाइटी घाट और इसको भी एक्सप्लोर करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।